आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कैसे बिजली जनरेट होता है, कैसे बिजली ट्रांसमिट होकर हमारे घर में आता है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम एडवांस में नहीं जाएंगे, हम आने वाले वीडियो में हम जरूर से एडवांस में जाएंगे और एक एक चीज़ के बारीकी से समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ बेसिक से बताऊंगा कि कैसे बिजली जनरेट होता है, कैसे बिजली ट्रांसमिट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे घर में आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पावर प्लांट का एग्जाम्पल ले लूँगा। बहुत सारे पावर प्लांट है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मैं एक पावर प्लांट ले लूँगा कोई भी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट ले लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सोलर प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे सोलर प्लेट है, बहुत सारे। इसे हम क्या करेंगे, सोलर एरे कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सोलर प्लेट यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो कनेक्टेड होता है, ये सीरीज और पैरेलल दोनों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। ठीक है, सोलर प्लेट क्या करता है, सूरज की जो रोशनी होता है उस रोशनी को लेकर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो एनर्जी होता है डीसी। ठीक है, और ये डीसी कैसे एसी में कन्वर्ट होता है मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊंगा। अब ये जो सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट सिर्फ दिन में काम करता है, ये रात में काम नहीं काम करता। ठीक है, और सभी सोलर प्लेट एक साथ मिलकर लगभग मतलब 3 KV के आसपास ये बिजली जनरेट करता है। ठीक है, अब ये बिजली को स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बैटरी का, एक नहीं बहुत सारे बैटरी का हम यूज़ करते हैं, मतलब एक बैटरी बैंक मान लो। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको बैटरी स्टोर रूम, ऐसे ही बहुत सारे बैटरी हम स्टोर करके रखते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बैटरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब बैटरी में तो पता है आपको डीसी करंट होता है। ठीक है, अब उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। उसके लिए बहुत सारे इन्वर्टर की ज़रूरत है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है कि हम यहाँ पर इन्वर्टर का भी यूज़ करते हैं इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं, बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं, इसलिए सोलर प्लेट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल दूसरे पावर प्लांट के हिसाब से, और इसका एफिशिएंसी उतना अच्छा भी नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, सूरज की रोशनी से हमने बिजली जनरेट कर दिया, लेकिन डीसी को हमने स्टोर कर दिया बैटरी में, बैटरी से हमने क्या कर दिया, इन्वर्टर में लिया, इन्वर्टर से हमने क्या कर दिया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब उसी एसी को हम कहां पर भेजेंगे, पावर स्टेशन। तो यही है पावर स्टेशन, यहां पर देखो बहुत कुछ कनेक्टेड है, एक एक चीज का मैं सिर्फ नाम बताऊंगा और ये जो कैसे काम करते हैं एक एक चीज़, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है, रिले कनेक्टेड है, ऊपर देखो आइसोलेटर कनेक्टेड है, नीचे सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है। ठीक है, उसके साथ रिले भी कनेक्टेड है। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, सब कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए यहाँ पर रिएक्टर कनेक्ट है। ये रिएक्टर कैसे काम करता है मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। और उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है ट्रांसफार्मर, यही है मेन। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखो हमने बिजली कितना जनरेट कर दिया, 3 KV, 3 KV का बिजली हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर में भेजेंगे। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको स्टेप अप करेगा। ठीक है, स्टेप अप करके ये 132 KV या फिर 66 KV ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हमने क्या किया, 3 KV का इनपुट दिया, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 132 KV, 66 KV, अपने अपने हिसाब से हम आउटपुट से निकाल लेंगे। मतलब हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, हम स्टेप अप कर रहे हैं। अब स्टेप अप करने के बाद हम इसे बास बार में भेज देंगे। बास बार में बहुत सारे आपका रिले है, आपका आइसोलेटर है, ठीक है, और इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसफार्मर भी है। अब बाजवार से होकर ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ जाएगा, सीधा पोल में जाएगा, ट्रांसमिशन होने के लिए पोल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह पोल, पोल के साथ देखो यहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर कनेक्टेड है, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड। ये जो वायर है ट्रांसमिशन लाइन से अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 132 KV। ठीक है, 132 KV इस ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो हो रहा है। इस ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का वोल्टेज कितना हुआ, 132 KV। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कहाँ पर जाएगा, सामने वाले जो रिसीविंग स्टेशन है वो रिसीविंग स्टेशन तक जाएगा।
ठीक है। अब उस रिसीविंग स्टेशन में बहुत कुछ कनेक्टेड है, जैसे हमने पावर स्टेशन में देखा रिले, आइसोलेटर, सेम यहाँ पर भी वही सब होगा कि ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये जो लाइन है, ये जो मतलब हमारा सिस्टम, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये सब कुछ लगाया गया है, ठीक है। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ, उस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए यहाँ पर रिएक्टर कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा, और उसी लिए यहाँ पर रिले भी कनेक्टेड है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, एक क्या करेगा अपने सर्किट ब्रेकर को कहेगा, सर्किट ब्रेकर क्या करेगा सिस्टम को ओपन कर देगा, मतलब अपना लाइन को कट कर देगा बस, ठीक है। ये सब कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आया कितना वोल्टेज आया, यहाँ पर 132 केवी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टर से होकर, मतलब रिले से होकर, आपका आइसोलेटर से होकर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 132 केवी को स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन कर इसको 33 केवी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बास बार में भेज देगा, और बास बार से वो लाइन कहाँ जाएगा, पोल में, ठीक है। वही हो रहा है, देखो बास बार से सीधा कहाँ जा रहा है, पोल में जा रहा है। तो यहाँ पर पोल में भेज दिया कितना वोल्टेज, यहाँ पर क्या हुआ, रिसीविंग स्टेशन में स्टेप डाउन हुआ, वो वोल्टेज स्टेप डाउन होकर कितना हुआ, 33 केवी को हमने क्या किया, पोल में भेज दिया। अब इस 33 केवी को हम ट्रांसमिट करेंगे आगे। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन कितना हुआ, 132 केवी, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितना हुआ, 33 केवी, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिशन होगा आगे वाले जो सबस्टेशन है उसमें हम ट्रांसमिट कर देंगे। यह सबस्टेशन, अब इस सबस्टेशन के अंदर भी देखो बहुत कुछ कनेक्ट है, यहाँ पर भी मेन चीज़ है ट्रांसफार्मर सभी जगह होगा, ठीक है। स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए सभी जगह होगा, और इसके साथ रिले, आइसोलेटर, आपका रिएक्टर, ये सब कुछ होगा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी देखो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, यहाँ पर कुछ रिले कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टर कनेक्टेड है। सब कुछ के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज आया कितना था, 33 केवी, स्टेप डाउन होकर कितना हो जाएगा, 11 केवी हम क्या करेंगे, पोल में भेज देंगे, मतलब RYB तीनों फेस हिसाब से हम ये हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना वोल्टेज हो रहा है, 11 केवी है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 11 केवी RYB तीनों फेस आकर कहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है, ट्रांसफार्मर पे, देखो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे RYB तीनों फेस आकर कनेक्ट हो रहा है, और देखो सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं है, RYB एंड न्यूट्रल यहाँ पर कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आ रहा है RYB तीन फेस, लेकिन निकलेगा RYBN, ठीक है। अब क्यों निकल रहा है वो मैं आगे बताता हूँ। अब देखो सेकेंडरी साइड से RYBN न्यूट्रल चार वायर निकला, ठीक है। सबसे ऊपर लैम्प पोस्ट के सबसे ऊपर रहता है न्यूट्रल, फिर R, फिर Y एंड फिर B, ठीक है। अब सेम देखो, ये है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होगा, 415 वोल्ट, ठीक है। ये है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्प पोस्ट से होकर हमारे जो आसपास के एरिया है वहाँ पर आ जाता है। अब जहाँ पर ज़रूरत होता है RYBN, जहाँ पर सभी फेस की ज़रूरत होता है, थ्री फेस की ज़रूरत होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, थ्री फेस फोर वायर हम भेज देते हैं, ठीक है। थ्री फेस RYB एंड उनके साथ हम न्यूट्रल भी भेज देते हैं, जैसे कि इस घर में ज़रूरत है RYBN, इसलिए हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब सेम पोस्टर से वायर और भी पोस्टर में कनेक्टेड है, ठीक है। लैम्प पोस्ट तो बहुत सारे हैं, तो सेम वायर सभी लैम्प पोस्ट में कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, हर एक घर में क्या करते हैं, एक न्यूट्रल भेज देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर वाला है न्यूट्रल हमने एक घर में भेज दिया, और नीचे वाला है भी हमने एक घर में भेज दिया, ठीक है। अब सामने वाले घर में हम क्या करेंगे, हम सामने वाले घर में देखो क्या करते हैं, ऊपर से एक न्यूट्रल हम भेज रहे हैं और एक वायर आर वायर हम भेज दिया, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है, एक न्यूट्रल भेज दिया, एक आर भेज दिया। दूसरे वाले घर में हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल भेजेंगे और एक वाई भेजेंगे।
जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने क्या किया, एक न्यूट्रल भेज दिया और वाई वाला फेस हमने भेज दिया, तो ये होता है सिंगल फेस सप्लाई। तो वैसे ही बिजली जनरेट होता है, ऐसे ट्रांसमिट होता है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारे घर में आता है। लेकिन एक एक चीज़ बारीकी से कैसे काम करता है वो आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।